बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। साढ़े नाल स्टडी स्केयर तो अनीता भंडराल मैडम मौजूद ने इस वक्त, जिहड़े कि यूरोप के लिए भी बहुत वड्डी पद्धर के उत्ते विद्यार्थियों अवेयर करते हैं। सो अज यूरोप की वो किहड़ी डेस्टिनेशन है जिहड़ी जर्मनी तो बाद बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, अज इस विषय पर गल करांगे। अनीता जी बहुत स्वागत है। तो थैंक यू सो मच सर। अनीता जी, जर्मनी की तो बात अक्सर होती है यूरोप में, अब यूरोप में जर्मनी के अलावा कौन सी ऐसी बड़ी डेस्टिनेशन है जो फायदेमंद है स्टूडेंट्स के लिए? जी, तो सर अगर मैं यूरोप में बात करूँ तो यूरोप में टोटल जो कंट्रीज आती हैं दैट आर 29 कंट्रीज। अब उन 29 कंट्रीज में से इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा है कि वो यूरोप में देख रहे हैं लेकिन वो फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी कंट्री में अप्लाई करना चाहिए। तो यस, जर्मनी इज द गुड ऑप्शन। उसके बाद जो ऑप्शन आती है, आयरलैंड इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट हु आर लुकिंग फॉर द यू नो लाइक देयर फर्दर एजुकेशन इन यूरोप। बिकॉज अगर मैं आयरलैंड की बात करूँ तो आयरलैंड की अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूँ या फिर वराइटी ऑफ कोर्सेज की बात करूं या फिर वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, वो बहुत अच्छी है। सबसे पहले तो आयरलैंड में अप्लाई करने का आपको ये फायदा मिलेगा बिकॉज आयरलैंड इज द हब ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। दैट मींस कि यहां पे जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन सबके हेडक्वार्टर्स आयरलैंड में है। जैसे कि गूगल, गूगल का हेडक्वार्टर आयरलैंड में है, माइक्रोसॉफ्ट का है, पेपाल का है, लिंक्डइन का है। ये कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि हम अपनी रोज की जिंदगी में हम इनको यूज करते हैं। तो इन सारी ही कंपनीज के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आयरलैंड में है। जब इनके हेड ऑफिस आयरलैंड में है तो ऑफकोर्स इनमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं स्टूडेंट्स को वो भी इसी तरह से मिलती है। और आयरलैंड में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने आता है तो उसी की तरह से उनको जो कोर्सेज के लिए आगे प्रिपेयर करवाया जाता है। हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आयरलैंड देता है। अगर मैं बात करूँ तो बैचलर्स, अगर उनके पास वैरायटी ऑफ कोर्सेज कौन कौन से मिलेंगे तो वैरायटी ऑफ कोर्सेज आयरलैंड में आपको जो बहुत फेमस कोर्सेज हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे कि बिजनेस एनालिटिक्स उनका टॉप वन पे चलता है, उसके बाद फाइनेंस है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज है और कंस्ट्रक्शन है। ये 5 से 6 फील्ड हैं जो कि उनकी बिल्कुल बूम पे चलती है। जो स्टूडेंट्स आयरलैंड के लिए देख रहे हैं वो अगर इन कोर्सेज के साथ जाते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफकोर्स बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद जो थर्ड इनका मेन जो फायदा है आयरलैंड में अप्लाई करने का, स्टूडेंट कैन गेट द पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। यस, स्टूडेंट्स कैन गेट द पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आफ्टर बैचलर्स एंड द मास्टर्स। सो ये चीज़ स्टूडेंट्स के लिए रहता है कि ऐसा नहीं है कि बैचलर्स करेंगे तो PGWP नहीं मिलेगा या मास्टर्स नहीं। तो मैक्सिमम जो PGWP मिलता है वो अप टू 2 ईयर्स के लिए मिलता है। तो कोई भी स्टूडेंट जा रहा है तो उनके पास आगे एक्सप्लोर करने के लिए अपने पास ऑप्शन होती है 2 ईयर्स के साथ। अगर मैं बात करूँ तो वाइल स्टडीज भी आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो वाइल स्टडीज, जब आपकी स्टडीज चल रही होंगी तो आप 20 आवर्स पर वीक वहाँ पे काम कर सकते हैं और एट द टाइम ऑफ वेकेशन आप 40 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं। और इसमें भी बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप साल में जैसे कि 12 महीने के अंदर आपके पास 4 से 5 महीने प्रॉपर वेकेशन के होते हैं तो उन 4 से 5 महीने यू आर अलाउड टू वर्क अप टू 40 आवर्स पर वीक। At the time of studies, you can work up to 20 hours per week. So, ये एक ऐसी चीज़ें हैं। अगर मैं एंट्री रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो बैचलर्स की जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट से स्टार्ट होता है, जैसे कि 55% से स्टार्ट होगा। और IELTS जो उनको चाहिए 6.5, नॉट लेस दैन 6 चाहिए। सेम मास्टर्स के लिए भी यही रहता है, आपका 55% से यूनिवर्सिटीज एप्लीकेशन लेना स्टार्ट करती है और IELTS की रिक्वायरमेंट 6.5, नॉट लेस दैन 6 है। एंट्री रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है उनकी। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूँ तो INR में जो उनकी जो ट्यूशन फीस है, जो एक साल की ट्यूशन फीस है, वो अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख के करीब जाती है। बाकी के जो फंड्स हैं वो आपको दिखाने होते हैं, उसका भी प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो इन ऑल अगर मैं बात करूँ कि खर्चा कितना आएगा अगर कोई स्टूडेंट आयरलैंड के लिए अप्लाई करना चाहता है तो जो टोटल एक्सपेंस है वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली आपका 13,50,000 के करीब। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वैरायटी ऑफ द कोर्सेज हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो आपको ये नहीं होगा कि अगर आप यूरोप में हैं तो आपको वहीं की कोई लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। सो ये इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो स्टूडेंट्स कैन वर्क एंड स्टूडेंट कैन अर्न ईजिली, देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो बहुत ही चंगे तरीके नाल अनीता जी ने सारे विद्यार्थियों को इंपॉर्टेंट टिप्स दते ने। मैं एक बार फिर ये तुहाडे तों पुछना चाहूँगा, साड़ी प्रॉब्लम की आ रही बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं, वो कनेडा जाना नहीं चाहते या ऑस्ट्रेलिया तो रिफ्यूज़ ने या वो UK नूं लै के डबल माइंडड ने, हालांकि UK भी चल रहे हैं। हुण गैप किन्ना चल सकेगा, घट्टो घट IELTS स्कोर, PTE स्कोर किन्ना होना चाहिए
स्टूडेंट्स के लिए जी। अब मैं अगर सर बात करूँ तो गैप का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो 5 से 6 साल का गैप भी बड़े इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर मैं आइल्स की बात कर लूँ तो यस, आइल्स को लेके वो थोड़ा सा है कि 6.5 नॉट लेस दैन 6 के करीब चाहिए होते हैं आइल्स स्कोर। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो कि 6 ओवरऑल पे भी एक्सेप्ट कर लेती हैं एप्लीकेशन। लेकिन इसमें मैं आपको यही कहना चाहूँगी, इसका भी एक रीज़न बहुत बड़ा सर ये है कि देखिए, जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसी कंपनीज जैसे गूगल है, आपका पेपाल है, आपका लिंक्डइन है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सबके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आयरलैंड में ही है। तो मेन जो जॉब्स हैं वो इन बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल 5-6 कंपनीज का मैंने इसलिए एग्जांपल दिया है बिकॉज एक ऐसी कंपनी है जिसके से हम सारे ही, हम सबको पता है, ट्विटर है, ट्विटर हम हर रोज यूज करते हैं। तो यहाँ पे इन बड़ी कंपनीज में काम करने के लिए जो क्राउड चाहिए होता है वो ऑब्वियसली एक स्किल्स के साथ बिल्कुल चाहिए होता है। अगर मैं अर्निंग की बात करूँ तो स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट गया है तो वो आराम से उसकी, जो मैं INR की बात करूँ तो 7 से 8 लाख के करीब जो उसका है वो स्टार्टिंग में उसको जो सैलरी पैकेज है वो स्टूडेंट्स को मिल रहा है एज पर द रिसर्च। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज बिग कंपनीज आर देयर। तो आइल्स, यस आइल्स इज मैंडेटरी। गैप का ऐसे इतना कोई इशू नहीं है, अगर आपके पास गैप जस्टिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जी। चलो थैंक यू सो मच, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आयल नू लै के साडे नाल अनीता जी ने साझी की है। स्क्रीन ते नंबर है, कोई भी थोड़े जहन च सवाल है अनीता जी मैम दे नाल तुसी खुद गल कर सकते हो, स्क्रीन ते इस नंबर ते तुसी डायल करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।